नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो इसकी वर्किंग में हेल्प करते हैं। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, ऑप्टिकल जो माइक्रोस्कोप है उनके कंपैरिजन में इनका जो रिजोल्यूशन होता है वो काफी हाई होता है, तो इसलिए इनका यूज किया जाता है ताकि हम हाईली मैग्निफाई इमेज देख सकें और जो एटम है हमारा और जो एटम का स्ट्रक्चर है, किस चीज से हमारा जो सैंपल बना है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी शेप एंड साइज क्या है उसके एलिमेंट्स का, इन सब चीजों की जानकारी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम मैग्निफाई इमेज के थ्रू अच्छी तरह से किसी भी सैंपल के बारे में जान सकते हैं। तो देखते हैं इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि इसको इस चैम्बर में किया जाएगा जो कि वैक्यूम हो, तो वैक्यूम चैम्बर के अंदर इसका यूज किया जाता है, इस प्रोसेस का यूज किया जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने बात की हम इसके अंदर यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो एयर के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो वो स्कैटर होंगे, उनकी जो हमारी क्वालिटी है, इमेज की क्वालिटी है, उस पर फर्क पड़ेगा। तो इसलिए इसको वैक्यूम चैम्बर में किया जाता है, वैक्यूम होती है अंदर, ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रॉपर अपनी बीम बना के प्रॉपर स्ट्राइक करके सैंपल के ऊपर और प्रॉपर क्वालिटी की इमेज दे सकें, तो इसलिए इसको वैक्यूम चैम्बर में किया जाता है। तो सबसे ऊपर होती है इलेक्ट्रॉन गन, ये है इलेक्ट्रॉन गन जो कि इलेक्ट्रॉन को देगी, इलेक्ट्रॉन को लिब्रेट करेगी, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेंगे, जब हम इसको पावर सप्लाई देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर आएंगे। उसके आगे लगा है कंडेंसर लेंस, ये है कंडेंसर लेंस वन और ये है कंडेंसर लेंस टू। तो कंडेंसर लेंस का फंक्शन क्या है, जो ये बीम आएगी, जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उनको एक स्मॉल साइज में, एक थिन साइज में, एक कोहरेंट साइज के अंदर कन्वर्ट करना, तो इसकी विड्थ को ये कंट्रोल करती है। तो जो कंडेंसर लेंस है, जैसे यहां से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे इस तरह से आएंगे, तो इसकी जो विड्थ है उसको स्मॉल थिन और कोहरेंट करके कंडेंसर लेंस उसको कन्वर्ट करेंगे, तो वो इस तरह से लगभग पहले कंडेंसर लेंस से जाएगी, फिर ये दूसरे कंडेंसर लेंस से जाएगी, तो आपको दिखेगा कि ये देखिए कितनी इसकी विड्थ पे हमने कंट्रोल किया है, तो एक कोहरेंट और स्मॉल और थिन आपको बीम मिलेगी। तो यहां से आएगी तो आगे ये जाएगी, तो यहाँ पे लगा है कंडेंसर अपर्चर, इसको कंडेंसर अपर्चर बोलते हैं, जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है जो हाई एंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करता है और जो सिलेक्टेड है उनको आगे भेजता है। तो यहां से जो ये बीम है इस तरह से होके इस सैंपल पे गिरेगी, ये सैंपल है जो हमें चेक करना है, सैंपल है या ऑब्जेक्ट है आप इसको कुछ भी बोल लीजिए, बीम है, इस सैंपल को स्कैन करेगी, स्कैन करने के बाद ये जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस के पास, और जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फंक्शन है कि जो हमारी ये बीम आएगी उसको एक इमेज के रूप में कन्वर्ट करना और थोड़ी मैग्निफाई करके देना, तो एक अच्छी क्वालिटी की इमेज देना और उसकी जो कॉन्ट्रास्ट है वो भी अच्छी रखना। तो यहां से जो बीम आएगी तो वो इस तरह से आएगी और यहां से गुजरती हुई वो इन अपर्चर से गुजरेगी, ये हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस अपर्चर है और ये हमारा सिलेक्टेड एरिया अपर्चर है। इनका यूज क्या होता है, जो बीम है उसको स्ट्रिक्ट रखना है, उसको फैलने नहीं देना, जो डायफ्रेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको नॉकिंग आउट करके जो सिलेक्टेड बीम है सिलेक्टेड एरिया के अंदर से गुजारनी है। फिर हमारी ये जो बीम होती है वो हमारी जाती है इसके पास, जो हमारे होते हैं इंटरमीडिएट लेंस, जो हमारी जो इमेज बनी है तो इंटरमीडिएट लेंस के पास जाती है, जो कि हमारे दो हैं यहाँ पर भी, इंटरमीडिएट लेंस वन और इंटरमीडिएट लेंस टू। इन जो इंटरमीडिएट लेंस का क्या फंक्शन है कि जो हमारी इमेज क्रिएट होगी ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद, उस इमेज को ये एनलार्ज करेंगे और एनलार्ज करते हुए ये इमेज चलेगी, इस तरह से एनलार्ज करते हुए चलेगी और फिर वो पहुंचेगी प्रोजेक्टर लेंस के पास, ये प्रोजेक्टर लेंस है, प्रोजेक्टर लेंस उसको और मैग्निफाई कर देगा और एनलार्ज कर देगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फॉस्फोर स्क्रीन है या मेन स्क्रीन है, ये स्क्रीन जो होती है फॉस्फोर स्क्रीन आप उसको बोलते हैं, फॉस्फोर स्क्रीन, और इसके ऊपर जो इमेज बनती है वो काफी मैग्निफिकेशन के अंदर बनती है, काफी हाई क्वालिटी की बनती है और जो आपका जो ऑब्जर्वर है इसको नोट कर सकता है। यहाँ पे आपको जो इमेज मिलती है वो डार्कर और लाइट शेड के अंदर मिलती है, तो जो डार्कर और लाइट शेड होती है वो क्या दिखाती है कि जो फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसमिट हुए हैं अगर,
तो कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हुए हैं तो आपको डार्कर शेड मिलती है। अगर हाइयर जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हुए हैं जो हमारा सैंपल था उसके अंदर से, तो आपको लाइट शेड मिलती है। जिस तरह से आप स्लाइड प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, आप स्लाइड रखते हैं ऊपर से लाइट पड़ती है तो उसको मैग्निफाई करके हम स्लाइड को देखते हैं, उसी तरह का ये भी काम करता है जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। लेकिन ये हमारा इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करता है और ये जो काफी मैग्निफिकेशन पे काम करता है, काफी हाई रेजोल्यूशन पे काम करता है। तो जो ये इमेज है उसको जो ऑब्जर्वर है वो देखेगा, चेक करेगा और आसानी से फाइंड आउट कर सकता है जो भी चीजें उसको फाइंड आउट करनी है, उसका शेप एंड साइज जो एटम्स का है, उनके अरेंजमेंट क्या है, उन जो एलिमेंट्स है वो किस तरह से बना है, तो इन सब चीजों के स्ट्रक्चर की जानकारी हम इससे ले सकते हैं। ये था ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।